सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़, पहचान सच की। आज टीआरएस पार्टी के टांडूर एमएलए पायलट रोहित रेड्डी ने खयाम नगर भोपाल नगर में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाके आवाम से मुलाकात की और लोगों से गुजारिश की कि आप अपना कीमती वोट कार के निशान को दे। और अत्तापुर डिवीज़न टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार मोहतरमा सी महादेवी अमरिंदर को कामयाब करे, केसीआर साहब के हाथ मजबूत करे। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस किसी को सीएम रिलीफ फंड 10,000 रुपये नहीं मिले वो चिंता ना करे, इलेक्शन के बाद आपको ज़रूर मिलेगा, बस आप अपना कीमती वोट कार के निशान को देकर हमारे सीएम केसीआर साहब और टीआरएस पार्टी को कामयाब करें। इस मौके पर शामिल ख्वाजा हसामुद्दीन, सैयद रिजवान हुसैन आबिदी, मकबूल शहजादा, मोहम्मद इम्तियाज़ के अलावा वो दीगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। ये तेलंगाना गड्ड मीद गुलाबी झंडा, मन गुलाबी झंडा, ये गुरुतुंद केसीआर गुलाबी झंडा, कार गुर्तु झंडा, तेलंगाना तेलंगाना तेलंगाना, नेल मीद गुलाबी झंडा, मन गुलाबी झंडा, ये गुरुतुंद कार गुर्तु गुलाबी झंडा, मन गुंडेल निंडा। గుండెనొకటి చేసి గులాబీ జెండా, మన గులాబీ జెండా, తెలంగాణ సాధించిన గులాబీ జెండా, మన గులాబీ జెండా, గుండె గుండెనొకటి చేసి గులాబీ జెండా, మన గులాబీ జెండా, తెలంగాణ సాధించిన గులాబీ జెండా, కారు గుర్తు జెండా। ఎగరేసిన జెండా, కారు గుర్తు జెండా, తెలంగాణ బిడ్డలకు అండా దండా, మన గులాబీ జెండా। आज जीएचएमसी इलेक्शंस के नाते यहाँ पर खायम नगर में आज टीआरएस पार्टी का पैदल दौरा चल रहा है। हर घर में भी टीआरएस से जो डेवलपमेंट काम किए उससे बहुत खुश है। हर लोग भी बोल रहे हैं टीआरएस के साथ हम हैं, टीआरएस के साथ ही हम रहेंगे। हैदराबाद का जो डेवलपमेंट हुआ है वो टीआरएस के साथ हुआ है, तो ज़रूर आज के तारीख में वो पूरे हमारी पूरी उम्मीद है अत्तापुर डिवीज़न टीआरएस हासिल करेगी। और हम पब्लिक को ये भी वादा देंगे कि यहाँ पर जो भी मसले हैं, जो भी समस्या है, ये समस्या पूरे भी हम देख रहे हैं और ज़रूर इलेक्शन होने के बाद ये पूरे मसले भी हल करेंगे बोल के। और एक चीज़, ये 10,000 जिन को भी नहीं आया है, हम ये वादा दे रहे हैं कि इलेक्शन कोड के वजह से ये नहीं आया है। इलेक्शन जैसा ही ख़त्म हो जाएगा, जो जो भी दरखास्त करे हुए उन सबको भी मिलेगा। आज तक ऑलरेडी 630 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया गया है सीएम रिलीफ फंड से, और लगभग मेरे ख्याल से 200 करोड़ ही देना है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा ज़रूर। जैसा ही इलेक्शन हो जाएगा उसके बारे में कोई जो भी अफवाहें दूसरे पार्टियाँ वाले फैला रहे हैं उसको बिलीव मत करिए, उसको आपको ज़रूर बेफिक्र रहिए। जो जो भी दरखास्त किए सबको भी आ जाएंगे। और यहाँ पर जो मेन मसला है भोपाल नगर, हनुमान नगर और वोल जलाल बाबा नगर, खायम नगर, यहाँ पर जो रेगुलराइजेशन का मसला है, ये रेगुलराइजेशन का भी ज़रूर हल हो जाएगा। ऑलरेडी सीएम साहब के पास ये फाइल है और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जितने भी रेगुलराइजेशन के मसले हैं, ये पूरे रेगुलराइजेशन के मसले हल होने वाले हैं। आप हमारे पे बिलीव करिए, टीआरएस के साथ रहिए, ज़रूर हम प्रजा के साथ हैं। हम तेलंगाना हैदराबाद को डेवलप करने में पूरा कोशिश हमारी जारी है। केसीआर साहब, केटीआर साहब पूरा 24/7 पब्लिक के लिए ही काम कर रहे हैं और ज़रूर यहाँ पर जितने भी समस्या है उसका हल करके दिखाएंगे। और 1 तारीख को जो पोलिंग है उस दिन सारे लोग भी कार के निशान को वोट डाल के जिताइए बोल के मैं आप सबसे भी गुजारिश कर रहा हूँ। और जिधर भी देखिए टीआरएस का जलवा चल रहा है और 100%
आज हैदराबाद के मेयर सीट टीआरएस हासिल करके रखेंगी और अत्तापुर डिवीजन भी टीआरएस हासिल करके रखेंगी बोलते हुए, और एक बार बोल रहा हूँ, 1 तारीख के दिन कार के निशान को वोट देके जिताइए। जय तेलंगाना।